Hello friends, good morning. Today we will do the question answer. The chapter that's name is The Scholars and Mother Tongue. The Scholars and Mother Tongue की कुछ question answer बचे हुए हैं, आज हम उनको देखेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है The Truth Valoon. Truth Valoon में suppose you are going on a camping holiday. आप किसी camping holiday पे जा रहे हैं. What are the four most important things you will carry with you? वो चार ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होंगी जो आप अपने साथ ले जाएंगे. चूज फ्राम द टैक्स, ये वैल्यून में जो पीले कलर के टैक्स लिखे हैं उसे आपको पढ़ना है, पढ़ के उसमें से चूज करना है, मीन्स चुनना है. और फिर अटैच टू द हॉट एयर वैल्यून, और हॉट एयर वैल्यून से हमें अटैच कर देना है. आइए हम देखते हैं वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आप ले जाएंगे. फर्स्ट क्या है, मनी. मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब हम कहीं कैंपिंग करेंगे तो अपने साथ ले जाएंगे. मनी के बाद आता है फूड पैकेट्स, खाने का खाद्य सामग्री हम अपने साथ क्या करेंगे, ले जाएंगे, भूख लगने पे हम उसका यूज कर सके. थर्ड है वाटर बॉटल्स, जो ये सारी चीज़ें टैग में लिखी गई है पीले कलर के, इसी टैग से हम क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं. उसके बाद फर्स्ट एड किट, एड का मतलब यहाँ पे AID होगा, फर्स्ट एड किट लिख गया है, आप उसको AID करेंगे. मीन्स अगर आपको चोट लग जाए तो आप उसका उपचार करने के लिए अपने साथ क्या ले जाएंगे, फर्स्ट एड किट ले जाएंगे. ये चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जब हम कहीं कैंपिंग करने जाएं तो इसे हमें अपने साथ ले जाना चाहिए. नेक्स्ट है क्रॉस वर्ड फन. यहाँ पे एक क्रॉस और डाउन दो तरीके से इस पे फन क्रॉस वर्ड बनाया गया है, और इसमें कहा गया है कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है. लेट्स सी, आइए देखते हैं, इफ़ यू नो, यदि आप जानते हैं, व्हाट द पीपल ऑफ स्टेट्स इन दिस क्रॉसवर्ड पजल स्पीक, कि इस क्रॉसवर्ड पजल में हम ये देखेंगे कि राज्यों के लोग क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं. द क्लूज आर गिवेन, आपके लिए कुछ क्लूज दिए गए, हिंट दिए गए, इशारा किए गए हैं. द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आंसर, और वो इशारा ये है कि जो आंसर होगा उसका पहला अक्षर दे दिया गया होगा, है वो आपके लिए फिल कर दिया गया होगा, है ना. तो सबसे पहले लिखा है कि दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़िया. उड़िया में कौन सी भाषा बोली जाती है, उड़िया में उड़ीसा में, सॉरी उसमें उड़ीसा लिखा है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है. इट इज स्पोकन इन कर्नाटका. कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है. द पीपल ऑफ आसाम स्पीक्स दिस लैंग्वेज, आसाम के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, आसाम के लोग आसामी बोलते हैं. द लैंग्वेज इज़ यूज इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तेलुगू यूज किया जाता है. एट नंबर पे लिखा है यू कैन हीयर दिस, आप इसे सुन सकते हैं इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में क्या है, तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है. तो इस तरीके से हमें एक क्रॉस में फील करना है. द पीपल ऑफ केरला स्पीक्स दिस लैंग्वेज, और डाउनवर्ड में हम भरेंगे, केरला के लोग क्या बोलते हैं, केरला के लोग मलयालम बोलते हैं. दिस इज आवर नेशनल लैंग्वेज, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है. द लैंग्वेज ऑफ द गोवा पीपल, यानी गोवा के लोगों की भाषा क्या है, तो गोवा के लोगों की भाषा क्या है, कोंकणी है. दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो तमिलनाडु में लोग तमिल बोलते हैं. इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक रूप से बोली जाती है. एंड एल्सवेयर, और अन्य जगह, तो वह है भाषा उर्दू. तो इस तरीके से हमें ये डाउनवर्ड की तरफ और एक क्रॉस हमें क्या करना है, फील करना है. तो आइए हम देखते हैं, पहले में लिखा हुआ है, पहले में हमने आपको बताया कि उड़ीसा की भाषा पूछ रहा है, तो उड़ीसा की भाषा में हम क्या भरेंगे, उड़िया. सेकंड में देखते हैं कर्नाटक की भाषा पूछ रहा है, तो कर्नाटक के लोग क्या, कन्नड़. थर्ड में ये कहाँ की भाषा पूछ रहा है, ये भाषा पूछ रहा है केरल की, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, मलयालम. फिर फोर्थ में आसाम का पूछ रहा है, तो आसाम का क्या, आसामी. फिर फिफ्थ में हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है, हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी. फिर सिक्स में कि गोवा के लोग क्या बोलते हैं, गोवा के लोग कोंकणी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम भरेंगे कोंकणी या कोंकणी. फिर सिक्स के बाद सेवन में कि आंध्र प्रदेश के लोग क्या बोलते हैं, तो आंध्र प्रदेश के लोग
क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं, तो यहाँ पे तेलुगु ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर ये नीचे टी पहले लिख गया है, टी का मतलब ये हो गया कि तमिल कहाँ बोली जाने वाली भाषा है, तमिल तमिलनाडु की बोली जाने वाली भाषा है, तो यहाँ पे लिख देंगे TAMIL, तो तमिल यहाँ हो गया। उसके बाद ये लिखा है एम, एम मीन्स महाराष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा मराठी हो गई। और फिर 9 नंबर पे जो लिखा हुआ था कि इट इज़ स्पोकन वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर, और अन्य जगह पे बोली जाने वाली भाषा जो थी वो क्या थी, वो उर्दू है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इस क्रॉस वर्ल्ड फन को किया। आप इसे देखिए, करिए और अपने भारत की विविधता को क्या कीजिए, जानिए। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समाप्त होते हैं। वी विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट लेसन आप दिस आप योर टेक्स्ट बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।